बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद काशान। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो सोच रहे होंगे ये आसमान कहाँ से आ गया, परिंदे कहाँ से आ गए। तो जी, रेनी डे व्लॉग है 27 दिसंबर का। तो आप लोग इस व्लॉग को इंजॉय करें, देखें और स्किप मत कीजिएगा। तो हम गए हुए नानी के घर विंटर वेकेशन गुजारने। तो उनका छोटा सा आंगन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनका चमन है। तो यहाँ बहुत मज़ेदार से सब्ज़ी फल लगे हुए हैं। तो ये सुबह 7:10 का टाइम है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद का। तो अचानक अंधेरा छाया हुआ था, तो बारिश शुरू हुई। तो मैंने सोचा यहीं से हम अपना रेनी डे व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए, क्योंकि आप लोग भी एक ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं। तो अगर किसी दिन नहीं करूँ तो ज़्यादा कुछ कमी सी महसूस हो रही है। अचानक अंधेरा छा गया था और ये फाइनली जब दिन निकल गया था, यानी कि ये 12 से 1 बजे तक का टाइम है, 12 o'clock का। तो इसमें मैंने अच्छी सी वीडियो बना ली आपके लिए। करेले की बेल है, बहुत ही मज़ेदार से करेले आए थे इसके अंदर, और मैं इंशाल्लाह ताला को उसकी वीडियो भी दूंगा। और यहाँ हमारे चीकू के पेड़ भी, बहुत सारे इनके फल फ्रूट के पेड़ हैं। और हमने 3 बजे ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा, उसके बाद हमने ये पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनली हम दोबारा अपने आ गए थे, क्योंकि हमारे घर तो पैक है, हम लोग उस तरह की फीलिंग आती नहीं है। तो ये जो गाँव वाली फीलिंग होती है ना, विलेज की, बारिश हो, मौसम ठंडा है, तो उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि अब ये ना ज़्यादातर सिटीज़ वगैरह में देखने को कम मिलती है। बाहर जो गांव वगैरह होते हैं उनकी लाइफ अलग होती है, शहरों की लाइफ अलग होती है, इतनी बिज़ी लाइफ होती है। तो हम विंटर वेकेशन गुजारने गए हुए थे, तो इसी वजह से आप लोगों ये देखें व्लॉग या रेसिपीज़ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मेरे पास 2-3 विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी आपके पास बन हैं मेरे पास एडिट कर, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिटिंग का, क्योंकि ये गेट टुगेदर सब होता है ना जब आए हुए होते हैं, तो फिर वो टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया ताकि मैं आप तक पहुँचाऊँ। और ये देखें, ये है जो क्लिप है ना, ये आप देख रहे हैं, ये 29 दिसंबर का है, यानी कि सर्दी कड़ाके की है। और हमने ये पापा को बर्थडे पर गिफ्ट दिया है, ये 2-3 दिन पहले ही हमने मंगा लिया था, टेक्नो स्पार्क 7 उनके लिए, क्योंकि उनके पास पुराना मोबाइल तो था उनका, लेकिन वो थोड़े से मिसिंग कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने सोचा उनको बर्थडे का गिफ्ट दें, वैसे उनकी बर्थडे आती है 1 जनवरी को। तो ये हमने उनके लिए गिफ्ट मंगाया था, यानी कि हमने उनको एज अ मोबाइल गिफ्ट कर दिया। एक ज़रूरत की चीज़ भी है, और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे वो 2 रुपये का हो या 2 लाख रुपये का हो, गिफ्ट तो दिल से होता है। तो हमने ये उनको गिफ्ट करा था, तो वो खुश भी हो गए थे। और ये आप देख सकते हैं इसकी तमाम एसेसरीज़। और अगर आपको कोई चीज़ जैसे इसकी, ये देखें सत कवर भी आता है, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो जो रोक के ना, आप यानी कि स्टॉप करके आप उसके फीचर्स एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये देखिए मोबाइल की सेटिंग हो रही है, जो सिम वेरीफाई वगैरह जो भी कुछ होता है इसकी सेटिंग अंदर की पॉलिसीज़, उसको काम हो रहा था और ये कज़न कर रहे थे। तो ये मैंने इसका मोबाइल की क्लिप बना लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने फाइनली गिफ्ट दे दिया था। और अब आपको इंशाल्लाह ताला ये विंटर स्पेशल रेसिपीज़ मिलेंगी। तो यही वजह थी व्लॉग ना आने की, रेसिपीज़ ना आने की। और फिर कुछ पढ़ाई का भी, जाहिर सी बात है और भी काम होते हैं, पढ़ाई भी हम करनी है, मेडिकल की मेरी फील्ड है, तो उसमें भी मुझे मेहनत करनी है काफ़ी। तो आप लोग दुआ करा करें, और रेसिपीज़ की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको ये टेक्नो स्पार्क का ये मेरा मोबाइल कैसा लगा है, जो हमने गिफ्ट किया है पापा को। इसके बाद सर्दियाँ हैं, बारिश भी हुई है, तो क्यों ना हम इन्जॉय करें फ़िश। तो उसके बाद आ गई थी गर्म गर्म फ़िश, हमने किया था फ़िश को इन्जॉय, और जो बहुत ही मज़े की थी भी आपको आगे मिलेगी। आप देख सकते हैं इसके जो फीचर्स वगैरह मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाई है पूरी, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मोबाइल कैसा लगा, इसका रिव्यू दीजिएगा। और फाइनली हम आ गए हैं फ़िश, और उसके बाद हमने की फ़िश इंजॉय, बहुत ही मज़े की लगी थी। लेमन स्क्यूज़ करें और उसके बाद उसमें मसाला डालें, और सर्दियां हैं तो इंजॉय करें, क्योंकि सर्दियां हैं ना तो फ़िश सूप ये चीज़ अच्छी लग रही होती हैं। तो देखें अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुंह में पानी आ रहा है, बेचारा भी मिल जाए सही जी। तो आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओहो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैसेज यही है हैप्पी न्यू ईयर का, कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। इस मुश्किल है ज़िंदगी, तो इसमें आप लोग खुशियाँ बांटें, फैलाएँ, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराहटें बिखेरें। तो इसी के साथ अपना व्लॉग को एंड कर देते हैं, लाइक कीजिएगा, हैप्पी न्यू ईयर 2022, बाय बाय 2021। अपनी यादों के साथ, तलखियातों के साथ, वो हुआ खुदा हाफिज़। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ईयर में, यानी कि अगले साल में, यानी कि अगली सुबह। और ये देखिए आप, इतने मज़े का बैठ नज़र लग गई, ये अचानक ब्लॉग बट मुझसे गिर गया ये। उसके बाद हमने इंजॉय की थी गुड़ चाय। अल्लाह हाफिज़।